इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, सो जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर फेलो ट्रेवलर के बारे में पढ़ेंगे, उसके थर्ड पार्ट के हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि अगर आपने पिछला दो पार्ट नहीं देखा है इसी चैप्टर का, तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हो। साथ में आप पहले चैप्टर के भी हिंदी एक्सप्रेशन देख सकते हो, अगर आपने कहीं पढ़ा लिखा नहीं है तो। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अपने पास कॉपी पेन अगर हो तो, और बुक हो तो ज़रूर रखें अपने पास, आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं वर्ड मीनिंग पे। सो वर्ड मीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिसने सेकंड पार्ट देखा है मेरा इस चैप्टर का, उसको लगेगा कि वर्ड मीनिंग मैंने फिर से बताया है, तो उसमें थोड़ी गलती हो गई। मैंने पिछले पार्ट में एक पैराग्राफ नहीं पढ़ाया, या बोल सकते हैं नहीं बताया मैंने उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैंने वर्ड मीनिंग बता दिया था उस पैराग्राफ का, लेकिन मैंने मीनिंग नहीं बताई थी। तो वो गलती में सुधारने के लिए इस पैराग्राफ में, इस चैप्टर में, इस पार्ट में वो डिस्कस करेंगे हम, और वो जो वर्ड मीनिंग है दोबारा आ जाएगा। तो जिसने सेकंड वर्ड मीनिंग लिखा होगा अपने कॉपी पे सेकंड पार्ट का, वो इस पार्ट का देख कर लिखे, और जिसने नहीं लिखा है वो अभी लिख रहा है वो पूरा लिखे। तो वो बता दे रहा हूँ, आप अपने बुक में उठाइए, बुक में आप देखेंगे इट वॉज ऑल इन वेन से लेकर राउंड द लैम्प, यानी कि आखिरी जो पैराग्राफ है वहाँ तक की हम बात करेंगे। तो इसके वर्ड मीनिंग फटाफट समझिए, अगर लिखना तो लिखिए पॉज करके वीडियो को। वैन मतलब बेकार, ऑब्सटेंशियली मतलब होता है ठाट से, बड़े आराम से, फिनेसिंग मतलब चालाकी, इन्फ्यूरेटेड मतलब व्यथित, परेशान जिसे बोलते हैं हम, रिपोज मतलब फिर से विश्राम करना, ऑब्वियस सिंपल मतलब ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियस बात है, इट्स ऑब्वियस, जाहिर बोलते हैं ना, ये तो सिंपल बात है। लंबरिंग विंडमिल, लंबरिंग मतलब होता है धारदार काटने वाला, उसको लंबा बोलते हैं, लंबदार पवन चक्की, विंडमिल मतलब तो पवन चक्की होता है। क्रिएचर मतलब जंतु या प्राणी से बोलते हैं हम। स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में भाव का सेंस आएगा आपको। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब होता है व्यक्तित्व। इंटेलिजेंस बुद्धि, पता है आपको। पोसेशन या पोसेशन जिसे बोलते हैं अधिकार, किसी चीज़ का अधिकार होना। सुपीरियरिटी मतलब क्या होता है, श्रेष्ठता, मतलब कि आप सबसे ऊपर की श्रेष्ठता रखते हो, ये एडवर्ब की तरह बिहेव करता है। फैडिंग मतलब मंद होना, धीमा होना। मैनिफेस्टली मतलब साफ साफ। फिर कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, पता है आपको। इंगेज्ड मतलब व्यस्त, मैग्नेनिमियस इसको बोलते हैं, मैग्नेनिमियस इसको बोलते हैं व्यस्त, सॉरी उदार, किसी चीज़ की उदार होता है, बहुत उदार है, बहुत ज़्यादा ये लोगों पे क्या कहता है, उदार सॉरी बड़ा ही क्या कहते हैं, तरीके से रेस्पेक्ट करता है लोगों की, लोगों को बड़ा सम्मान देता है, उसको उदार बोलते हैं, और लोगों की मदद करता है उसको हम उदार बोलते हैं। तो मैग्नेनिमियस मतलब उदार, और मैग्नेमिटी मतलब होता है मिट्टी, मतलब उदारता, ये नाउन है, मिट्टी जो है वो नाउन है, और मियस मतलब ये आपका सॉरी एडजेक्टिव है। एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी, मतलब गुड, तो एट्रीब्यूट का जो पर्यायवाची क्वालिटी हो सकता है। प्रिस्टाइज, प्रिस्टाइज मतलब होता है प्रतिष्ठा, गौरव इसे बोलते हैं हम। रिडिकुलस, रिडिकुलस उसको ऐसे प्रोनाउंस ही करते हैं, रिडिकुलस, रिडिकुलस नहीं प्रोनाउंस करते, थोड़ा सा उसको फोर्स करते हैं, रिडिकुलस, रिडिकुलस, डी पे बहुत ज़्यादा दबाव डालिएगा अपने आप वर्ड निकल जाएगा। रिडिकुलस मतलब बहुत हास्यास्पद, सॉरी हास्यास्पद मतलब कि नेगेटिव भाव देगा, व्हाट अ रिडिकुलस जोक वर्ड दैट, कितना रिडिकुलस, कितना खराब जोक था, हंसी वाली थी लेकिन बहुत खराब जोक था, उसको हम रिडिकुलस बोलेंगे, मतलब कि हंसी भी आए लेकिन वो सबसे नेगेटिव वे में आए। डेरिजन मतलब उपहास, किसी चीज़ का मजाक उड़ाना। रीअसर्ट मतलब साबित करना। मर्सीफुल मतलब दयालु, तो मैग्नेनियस और मर्सीफुल ये कुछ हद तक पर्यायवाची होते हैं। फिर डिग्निटी गौरव से बोलते हैं हम लोग। ऑनर सम्मान। विड्रॉ मतलब निकालना, होता है ना बैंक से पैसा निकालते हो। सेंटेंस ऑफ डेथ मतलब मौत की सजा, सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था सेंटेंस्ड, डी लगा था, इसका मतलब भी होता है मौत की सजा सुनाना। रिप्राइव दंड विराम।
फुलिश मतलब मूर्खतापूर्व, डिलीवर्ड मतलब पहुंचा दिया, किसी चीज़ को पहुंचा दिया, रिस्पेक्टेबल सम्मानित, ओपिनियन इसको ओपिनियन नहीं पढ़ते हैं, ओपिनियन पढ़ते हैं मतलब राय, कॉर्प्स बोलते हैं, आर लगभग लगभग नहीं पढ़ते हैं, तो कॉर्प्स मतलब लाश जिसे हम बोलते हैं डेड बॉडी, तो उसका पर्यायवाची कॉर्प्स भी होता है। रिप्राइव्ड अभी हमने पढ़ा, दंड विराम दिया, रिप्राइव मतलब दंड विराम और रिप्राइड मतलब होता है दंड विराम दिया। सेटिस्फाई उसका मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए, सेटिस्फाई मतलब होता है कि संतुष्ट। चैरिटी मतलब दान पुण्य, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना किसी चीज को, डिस्टेंट मतलब दूर, फॉर्चून मतलब भाग्य, एक और मीनिंग होता है फॉर्चून का जिसका मतलब होता है कि बहुत बड़ी संपत्ति बनाना, ऑब्लिगेशन इसका मतलब था कर्तव्य, म्यूचुअल आपसी होता है ना, म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं ना फेसबुक पे, तो वही म्यूचुअल फ्रेंड वही आपसी दोस्त से बोलते हैं। मॉर्टल मनुष्य, देखिए मॉर्टल मतलब होता है कि जो प्राणी मर जाए मतलब उसका अंत जरूर होगा उसको मॉर्टल बोलते हैं, और इमॉर्टल जो अमर है जिसका जो कभी नहीं मरता। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे उस प्राणी को कौन मरता है, हम मरते हैं मनुष्य। जानवर की बात इस चैप्टर में नहीं की गई है इसलिए हम जानवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें मनुष्य की, इसलिए यहाँ पे मॉर्टल है यानी कि मनुष्य, प्राणी भी आप बोल सकते हो। मिरेकल चमत्कार, मिस्ट्री चमत्कार भी होता है और रहस्य भी होता है दोनों। अपैरिशन, अपैरिशन मतलब प्रेत भूत सब बोलते हैं, अपैरिशन बोलते हैं उसको, सॉरी। लाइटर मतलब रोशन, कैरेज मतलब गाड़ी, फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाना जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, परहैप्स मतलब शायद, विंडो मतलब खिड़की, पॉटर मतलब बोझ उठाने वाला जो आपको मिल जाता है स्टेशन पे, सीजिंग मतलब पकड़, कूली अलग होता है थोड़ा, कंपार्टमेंट मतलब डिब्बा, रेल का डिब्बा होता है ना वो, तो ये सब जो वर्ड मीनिंग है, ये सब वर्ड मीनिंग अभी देखेंगे चैप्टर में। सो होप आप ये सब वर्ड मीनिंग लिखे होंगे या आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं कहाँ पे, चैप्टर के थर्ड पार्ट पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं इट वॉज ऑल इन वेन से, जो आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा बीचों बीच एकदम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं हम। सो इट वॉज ऑल इन वेन मतलब सब कुछ खराब हो गया, क्योंकि राइटर ने कई सारे ट्राई किए उसको मारने के उस पर्टिकुलर मॉस्किटो को, लेकिन वो मार नहीं पाए, तो वही लिखा है इट वॉज ऑल इन वेन, जो भी प्रयास मैंने किया सब क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। ही प्लेड विथ मी, वो मेरे साथ खेला, ओपनली एंड ऑब्स्टेंसली बड़े ही खुले रूप से और बड़े ठाट से मतलब बड़े ही आराम से वो मेरे साथ खेला यानी कि मुझे हरा दिया, ये कहना चाह रहे हैं। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग ग्राउंड एंड इनफ्यूरेटेड बुल, जैसे कि देखिए तुलना किया है, जैसे कि लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एंड इनफ्यूरेटेड बुल, जैसे कि एक कुशल मेटाडोर मतलब मक्खी छोटा सा या छोटा कीड़ा जो उड़ता है वो मेटाडोर मतलब ये होता है जो छोटा सा मक्खी होता है, एक कुशल मक्खी जिस तरीके से चालाकी से एक व्यथित, व्यथित मतलब होता है इन्फ्यूटर मतलब व्यथित यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान, एक परेशान बुल मतलब बैल, जिस तरह एक बैल के चारों ओर एक चालाक मक्खी राउंड लगाता है और बैल कुछ नहीं कर पाता है, वैसे ही वह मेरे साथ किया, कौन मॉस्किटो मेरे साथ किया, यानी कि वो अपनी हालत बुल एक बैल की तरह बता रहे थे और उस मच्छर की तुलना वो उस स्किलफुल उस कुशल मेटाडोर यानी कि मक्खी से कर रहे थे। आपको समझ में आ गया होगा कि वो किसकी तुलना किससे कर रहे हैं, आपको पता है मक्खी जब चारों ओर बैल घूमती है तो मक्खी बस बैल जब जो है वो उससे हिलाती है, बेचारी कुछ कर नहीं पाती है, तो वही हाल है यहाँ पे कि जो राइटर वो भी कुछ कर नहीं पाए। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, ये बहुत जाहिर सी बात है कि वो अपने में एंजॉय कर रहा था, कौन मच्छर, दैट इट वॉज फॉर सॉरी दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, दैट इट वॉज वो किस लिए एंजॉय कर, क्योंकि दैट इट वॉज फॉर दिस, वो इसलिए इंजॉय कर रहा था, इसका मतलब यही है कि वो इसलिए इंजॉय कर रहा था कि ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि उसने मेरा जो रिपोज जो मैं फिर से बैठा आराम कर रहा था उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया, उसको उसने व्यथित कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया।
ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह चाहता था कि थोड़ा स्पोर्ट है यानी खेल कूदो, यानी कि वो मुझे पकड़े ये वो पकड़ा पकड़ा मोत, यानी कि स्पोर्ट हो खेलो। तो ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह एक लिटिल स्पोर्ट चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बींग चेज बाई दिस ह्यूज लैम्बरिंग विडमेल ऑफ अ क्रिएचर, मतलब एक वो एक स्पोर्ट एक खेल चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बींग चेज्ड, और वो कौन सा स्पोर्ट था, वो स्पोर्ट वो जो पसंद करता था वो ये था कि एक बड़ा सा जो ह्यूज जानवर यानी मैं मच्छर के सामने एक आदमी बहुत बड़ा ही होता है, एक बड़ा लैम्बरिंग वुडमैन, मतलब जो एक बड़े मील की तरह, एक जो बड़ा सा मील होता है ना पवन चक्की जो होती है बहुत बड़ी, उसके समान एक क्रिएचर जो मेरा पीछा कर रहा है, वो वाला खेल बहुत पसंद कर रहा था या करना चाहता था। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, जो टेस्ट बहुत अच्छा हुआ कि वो एक बार उसके हाथ पे बैठा था मच्छर। तो वो राइटर अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि वो एक गेम खेलना चाहता था, उस गेम में वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि एक जो बड़ा सा जो ह्यूज सा जो लैम्बरिंग वुडमेल जो एक बहुत ही बड़े पवन चक्की की तरह क्रिएचर है, वो जब मेरा पीछा मतलब उसका पीछा करता है, और जो टेस्ट में बहुत अच्छा लगा उसे, और जो हेल्पलेस था, जो क्या कहते हैं असहाय था और मूर्ख था, जो मुझे पकड़ नहीं पाया। देखिए हाँ मतलब सिंपल यही है, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ राइटर मॉस्किटो के हिसाब से सोच रहे हैं और बता रहे हैं कि मॉस्किटो ये सोच रहा होगा, मॉस्किटो क्या सोच रहा होगा, मॉस्किटो ये सोच रहा होगा कि कितना मज़ेदार है ना कि एक बड़े सा बड़ा जानवर जो पवन चक्की की तरह बहुत बड़ा दिख रहा है वह मेरा पीछा कर रहा है, और वह उसका टेस्ट भी अच्छा लगा मुझे क्योंकि उसने एक बार वो राइटर के हाथ बैठा तो यानी कि उसने खून चूसा होगा, तो बोल रहा है कि वो बहुत ही उसका टेस्ट भी अच्छा है और वो दिखने में बड़ा असहाय और बहुत ही मूर्ख लग रहा है क्योंकि वो मुझे पकड़ नहीं पा रहा है। तो ये खेल जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मॉस्किटो को ये वाला खेल अच्छा लग रहा होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नहीं आ रहा होगा फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखे तो मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट बॉक्स में समझाने की। आई बिगेन टू एंटर, इसको इंटर नहीं पढ़ते हैं इसको एंटर बोलते हैं। आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, उसके बाद जब थोड़ा रुके होंगे तो राइटर बोल रहे हैं आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैं एक तरीके से मैं जो मेरा फेलो यानी कि जो मच्छर है उसके भाव में उसके स्पिरिट में उसके भाव में मैं क्या एक तरीके से घुसना स्टार्ट हुआ, मतलब उसके बारे में ये सोचना स्टार्ट किए। कौन राइटर, क्योंकि उसे मार नहीं पा रहे थे तो वो उसके मच्छर के बारे में सोचने लगे। वही लिखा है ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, वो कोई लंबा सा मतलब वो एक बहुत ही छोटा जानवर था या छोटा कीड़ा था, इसका मतलब यही है। इंसेक्ट मतलब कीड़ा होता है, यहाँ मतलब मच्छर है, तो मच्छर भी कीड़े में आते हैं। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर, मेयर मतलब मात्र और इंसेक्ट मतलब कीड़ा, तो एक मात्र कीड़े के से लंबा वो नहीं था, यानी कि बहुत ही छोटा क्या था वो जानवर था या बहुत ही छोटा वो कीड़ा था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू पर्सनैलिटी, वो राइटर को अब एक पर्सनैलिटी एक व्यक्तित्व की तरह लगने लगा, जैसे लगा कि कोई साथी उनका है। एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजिशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म, एक पर्सनालिटी की तरह उनको लगने लगा, एक व्यक्ति की तरह उनको लगने लगा राइटर को, जो बुद्धिमान है। एन इंटेलिजेंस जो बुद्धि लगाता है, दैट चैलेंज द पोजिशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, जो इस कंपार्टमेंट डिब्बा जिसमें मैं बैठा हूँ उसका वो हक जताता है, उसका वो हक का चैलेंज करता है, मतलब कि एक तरीके से वो मुझसे चैलेंज करता है कि मैं भी इस कंपार्टमेंट में हूँ, यानी कि इक्वल इक्वल होगा, अभी तुम अकेले नहीं हो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो ये जो फीलिंग है ये राइटर को आने लगी मच्छर को थोड़ी देर बाद देख कर, कि मच्छर को एक व्यक्ति की तरह सोचने लगे और सोचने लगे कि वो इतना बुद्धिमान है कि वो कंपार्टमेंट का इक्वल इक्वल बंटवारा करने का चैलेंज कर रहा है, ऐसा राइटर सोचने लगे उस मच्छर के बारे में। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड हिम, मैंने फील किया कि जो मेरा दिल है वो उसकी तरफ होने लगा, यानी कि उस पर आकर्षित होने लगा, उसको न मारने के भाव आने लगा ये। एंड द सेंस ऑफ सिप्योरिटी फैडिंग, सिप्योरिटी फैडिंग मतलब सिप्योरिटी मतलब शिष्टता और फैडिंग मतलब कम होना, तो जो जो मेरे अंदर एक सिप्योरिटी थी कि मैं मच्छर को मार दूंगा, मैं बहुत बड़ा मतलब मैं इंसान हूँ वो छोटा तो मच्छर है, और मैं श्रेष्ठ हूँ वो बहुत निम्न है, तो ये जो भाव था मेरे अंदर से ये निकलने लगा, कम होने लगा। इसका मतलब है हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली
मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज। क्या लिखा है? हाउ कुड आई फील सुपीरियर। अब ये अपने आप को सोच रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं कैसे सुपीरियर, कैसे मैं अपने आप को बड़ा फील कर सकता हूँ टू अ क्रिएचर, उस प्राणी से, उस पर्टिकुलर एक तरीके से प्राणी से बोल सकते हो आप, प्राणी से, हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटिशन इन विच वी हैड एवर इंगेज, जो बड़े ही साफ तरीके से मेरा मास्टर निकला। मास्टर मतलब यहाँ मुझसे आगे निकल गया, यहाँ मास्टर मतलब ये नहीं कि मालिक वालिक, यहाँ मतलब है कि वो मुझसे जीत गया, तो यानी कि वो मास्टर हो गया। तो वही है कि मैं कैसे एक सुपीरियर किसी पर्टिकुलर प्राणी से हो सकता हूँ, जिससे मेरा एक ही क्या हुआ, मुकाबला हुआ, या जिससे मैंने सिर्फ एक ही बार मिला और वो मुझसे मास्टर निकला, यानी कि मुझसे वो जीत गया, ये मतलब है। सेंस समझिए, कभी कभी मीनिंग जो होती है वो वर्ड के हिसाब से नहीं आती, थोड़ा उसको बदलना पड़ता है। तो यहाँ मीनिंग ये है कि हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर। मैं कैसे एक क्रिएचर, एक प्राणी से सुपीरियर हो सकता हूँ, बड़ा हो सकता हूँ, जिसने मुझे बड़े साफ तरीके से मेरा मास्टर निकला, यानी कि मुझ पर जीत गया। इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर इंगेज, सिर्फ एक कॉम्पिटिशन हमारा हुआ जिसमें वह मेरा मास्टर निकला, तो मैं कैसे उससे सुपीरियर हो सकता हूँ, यही लिखा है। इन विच वी हैड एवर इंगेज, मतलब जिसमें हम, ये एकमात्र कॉम्पिटिशन हुआ था, प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें मुझे उसको मारना था, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया और वो मेरा मास्टर निकला, तो मैं कैसे उससे सुपीरियर हो सकता हूँ, उससे, जिससे जिसे आप हार जाओ उससे आप तो बड़े हो नहीं सकते, ये राइटर कह रहे हैं। वाई नॉट मी मैग्निमीसियस, सॉरी, वाई नॉट बी मैग्निमीसियस अगेन, क्यों ना द फिर से उदार हो जाए, क्योंकि वो पहले उदार हुए थे, उसने मच्छर को छोड़ दिया था, मच्छर को उन्होंने बस ऐसे हटाया था, झटका दिया था। तो वही लिख रहा है कि मैं फिर से क्यों उदार नहीं हो सकता। मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, उदारता और दया, ये दो चीज किसी व्यक्ति के सबसे बड़े महान गुणों में से होते थे या होते हैं। ये राइटर कह रहे हैं कि मैं क्यों ना उस पर उदारता दिखाऊं, क्योंकि उदारता और दया यही तो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, ये राइटर कह रहे हैं। नोबलेस्ट एट्रीब्यूट मतलब सबसे बड़ा गुण है, और मैन मतलब आदमी। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, याद ध्यान दीजिएगा, मैन मतलब ये नहीं कि सिर्फ आदमी, यहाँ मैन को मैन लिखा है लेकिन इसका मतलब औरत आदमी दोनों है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टाइज, और जब मैं ऐसे एक्सरसाइज करूंगा, मतलब जब एक्सरसाइज मतलब जब मैं इसको उदारता दिखाऊंगा, तो जो मेरा खोया हुआ गौरव है वो फिर से मुझे हाई क्वालिटी में, हाई क्वालिटी मतलब कि अच्छे तरीके से मुझे मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा मेरा, मेरे मेरा जो एक तरीके से जो मेरा गर्व है, मेरा अभिमान है, वो मुझे वो वापस मिल जाएगा और मैं रिकवर कर लूंगा। प्रेस्टाइज मतलब गर्व। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, मतलब उस पर्टिकुलर समय में जब मैं मच्छर को मार रहा था, तो मैं बहुत ही रिडिकुलस, बहुत ही हास्यपद दिख रहा था। फिगर मतलब यहाँ दिखना, तो सॉरी, यहाँ मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ होना जो दिखता है, तो मैं बहुत ही हास्यपद दिख रहा था। अ थिंग फॉर अ लाफ्टर एंड डेरिशन, मतलब क्या लिखा है, अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिशन, जिसपे आप हंस सकते हो, या वो मैं वो चीज दिख रहा था जिसपे आप हंस सकते हो और उपहास कर सकते हो, क्योंकि मैं मच्छर को नहीं मार पा रहा था। बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर। बाय बीइंग मर्सीफुल, एक दयालु व्यक्ति होकर आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी, मैं फिर से स्थापित कर सकता हूँ या बना सकता हूँ जो मोरल डिग्निटी, जो मोरल सम्मान होता है, एक नैतिक सम्मान होता है किसी व्यक्ति का, मैं उसको बनाकर फिर से मैं दयालु बनकर ऐसा कर सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और दयालु होकर और मानव की जो एक नैतिक गर्व होता है उसको बराबर रखकर मैं कोने में जाकर कंपार्टमेंट के बड़े ही सम्मान से बैठ सकता हूँ, ये राइटर कह रहे हैं। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, विड्रॉ मतलब खींचना, तो मैंने जो उसको आदेश दिया था अपने दिमाग में कि मैं जज बन गया हूँ और मैं इसको जा रहा हूँ मारने, या मैं उसको दंड की सजा सुनाता हूँ, तो वही लिखा है, आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं जो आदेश दिया था मौत का, मैं उसको खींच रहा हूँ, यानी कि मैं वापस ले रहा हूँ। आई सेड, मैंने कहा,
रिटर्निंग टू माई सीट, जब मैं बैठ रहा था अपने सीट पर, तब आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता. यहाँ यू मतलब मच्छर कह रहे हैं कि आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, पर मैं तुम जो मैंने दंड दिया, जो मैंने दंड का आदेश दिया था, वो मैं उसको दंड विराम यानी कि मैं उसको घीच सकता हूँ, मैं उसको उल्टा कर सकता हूँ. उल्टा मतलब यह मतलब कि मैं उस दंड विराम को स्थगित करता हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ. बट आई कैन रिप्राइव यू, आई डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं दंड विराम दे सकता हूँ तुम्हें, और मैंने दिया. आई डू इट मैंने, मैं करता हूँ, ये मतलब है. ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या है कि राइटर सोच रहे हैं, इसलिए मैं मुझे समझाना पड़ रहा है राइटर की सोच के हिसाब से, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप फिर से वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या क्या कह क्या रहा हूँ. अब चलते हैं आई टुक से. आई टुक से लेकर हम यहाँ तक पढ़ेंगे, या यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक पढ़ते हैं हम. क्या लिखा है? आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन मी. आई टुक अप माई पेपर मतलब जो मैं पेपर पढ़ रहा था, मैंने वो उसको उठाया. टुक अप मतलब उठाना या उठाया, तो मैंने वो पेपर उठाया. ही केम एंड सेट ऑन इट, वो उस आया उस पेपर पे बैठ गया. इट मतलब पेपर की बात हो रही है, उस पेपर पे बैठ गया. फुलिश फैलो, मूर्ख फैलो, ये हंसते हुए मतलब मजाकी रूप में उसने कहा, फुलिश फैलो. आई सेड, मैंने कहा कि मूर्ख साथी, यात्री, साथी साथी बोल सकते हो आप. यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, तुमने मुझे मतलब तुमने मुझे अपने आप को सौंप दिया है. सॉरी मतलब ये है कि तुमने अपने आप को मुझे सौंप दिया, मेरे हाथों में सौंप दिया, यानी कि मैं तुम्हें अब आराम से मार सकता हूँ. ये राइटर्स बोल रहे हैं मजाकी रूप में. आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक ऑन बोथ द कवर एंड यू आर अ कॉर्स. देखिए, आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन मतलब मैं ऐसा करूंगा, सॉरी मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर एक सोच के हिसाब से, एक विचार के हिसाब से, इस ये जो रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब क्या होता है बताइए, ऑर्गन मतलब क्या होता है, मतलब कोई एक प्राणी, सिंपल उसको बोलते हैं ऑर्गन. जो ये कमज़ोर ऑर्गन है, कमज़ोर ऑर्गन मतलब ये जो कमज़ोर प्राणी है जिसका मैं अब सम्मान कर रहा हूँ, जो रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, उसके लिए मेरा एक ओपिनियन है, एक विचार है, जो मैं करूँगा नहीं, लेकिन मेरा एक विचार है. स्मैक ऑन बोथ द कवर एंड यू आर कॉर्प्स, कि मैं दोनों कवर, जो जो दो जैसे आप पेपर पढ़ते हो, दोनों कवर खोलते हो, मैं वो दोनों कवर को जब मैं स्मैक करूँगा, जब मैं उसको फटाक से बंद करूँगा, मारूंगा उसको, स्मैक करूँगा, एंड यू आर कॉर्प्स, और तुम लाश बन जाओगे. सिंपल है, मच्छर अगर आप मान लिया पेपर पढ़ रहे हो, बीचों बीच आप मच्छर बैठ गया, आप फटाक से बंद करते हो तो मच्छर मर जाता है. वही लिखा है कि मैं जो मैं ऐसा करूँगा नहीं, लेकिन एक सोच के हिसाब से, जो ये कमज़ोर ऑर्गन वाले तुम हो, तुम जिस मतलब तुम जहाँ बैठे हो, मैं अपने दोनों पेज कवर को जब मैं स्मैक करूंगा, मारूंगा जोर से, तो तुम एक लाश बन जाओगे, ये राइटर कह रहे हैं. नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर ऑन द मन मॉस्ट सॉरी मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज. तुम नीटली सैंडविच मतलब तुम एक पूरे तरीके से सैंडविच बन जाओगे. सैंडविच किसे बोलते हैं? खाया है ना, ब्रेड होता है, ब्रेड के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के आपके फूड होते हैं जिसके अंदर होते हैं, जिसको हम सैंडविच कहते हैं. तो नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप, तो एक तुम सैंडविच बन जाओगे, जैसे बीच में तुम आ जाओगे, बीच के बन जाओगे तुम, और वो दो आर्टिकल के बीच में तुम आ जाओगे. पहला आर्टिकल है पीस ट्रैप, जो एक पेज पे होगा. सपोज करिए कि एक पेज पे एक आर्टिकल है, जिसको आर्टिकल मतलब एक तरीके से एक पर्टिकुलर एक कोई लेख लिखा है कोई राइटर ने, पीस ट्रैप, मान लीजिए एक पेज पे पीस ट्रैप लिखा है, एंड अनदर ऑन, और दूसरे पेज पे क्या लिखा है, द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज. तो ये दोनों जब मिलेंगे तो तुम एक सैंडविच की तरह बन जाओगे, मतलब पिस जाओगे बीच में. बट आई शैल डू नॉट डू इट, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये मतलब है. देखिए, पहले की बुक्स में शैल यूज होता था, अब शैल का यूज़ कम हो गया है. बट आई शैल डू नॉट सॉरी नॉट डू इट, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये मतलब है. आई हैव रिप्राइव सॉरी आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हें दंड विराम दिया है. रिप्राइव्ड यू मतलब दिया है. एंड विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स
इट एंड आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, मैं तुम्हें मतलब एक तरीके से मैं तुम्हें शांत वो देता हूँ, एक तरीके से बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस देता हूँ, संतुष्ट करता हूँ, दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्ट इट, कि जब मैंने जब ये जो बड़ा विशाल जानवर है ये जब कोई बात कहता है तो उसका मतलब होता है, ये कह रहे हैं राइटर कि जब मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा, चाहे तुम मेरे पेपर के बीच में क्यों ना आ जाओ मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और यही कह रहे हैं कि जब ये लार्ज एनिमल जो ये बड़ा सा जानवर है जब ये कुछ कहता है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, मैं दंड विराम देता हूँ तुम्हें, तो इसका इसका यही वो दोहरा रहे हैं कि मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ या मैं तुम्हें तसल्ली देता हूँ कि जो ये बड़ा जानवर ने कुछ कहा है वो जब वो कहता है उसका मतलब कुछ होता है, यही कहना चाह रहा राइटर। मोवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मोवर आगे बढ़ते हुए आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब मेरा कोई इच्छा नहीं है तुम्हें मारने की, ये मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं है तुम्हें अब मारने की, थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से, तुमको जानकर, तुमको बढ़िया जानकर, इतने देर हो गए तुमको जानकर, तुमको जानकर मेरे अंदर एक फीलिंग आ रही है, क्या मैं तुमसे कहूँ, शैल आई से, क्या मैं तुमसे कहूँ, ये राइटर कह रहे हैं, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक छोटा सा जो अफेक्शन है स्नेह है वो तुमसे हो गया है मेरा, ये राइटर कह रहे हैं। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू अ लिटिल ब्रदर, मैं कल्पना करता हूँ, फैंसी मतलब यहाँ कल्पना है, कि मैं कल्पना करता हूँ कि जो सेंट फ्रांसिस है, ये एक नाम है पर्टिकुलर एक राइटर का, तो अगर वो होते तो वो तुम्हें एक लिटिल लिटिल ब्रदर नाम देते, कि अगर वो मेरी जगह होते तो तुम्हें एक नाम देते हैं लिटिल ब्रदर। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं और ज़्यादा चैरिटी नहीं कर सकता, मैंने तुमको छोड़ दिया यही बहुत बड़ी बात है, तो क्रिश्चियन चैरिटी और सिविलिटी, सिविलिटी मतलब होता है एक तरह नागरिकता, तो ये जो क्रिश्चियन के लोग जो करते हैं दया करते हैं उनमें मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकता, मैंने तुम पे बहुत दया कर दी है, बट आई रिकोगनाइज अ मोर, पर मैं ये मतलब रिकोगनाइज करता हूँ, याद करता हूँ और कुछ, और कुछ देखते हैं क्या ही रिकोगनाइज करते हैं ये, तो ये नेक्स्ट पेज आ गया है, तो नेक्स्ट पेज देखते हैं, डिस्टेंट रिलेशनशिप पूरा करते हैं हम लोग ताकि समझ में आ जाए, डिस्टेंट रिलेशनशिप मतलब मैं आई रिकोगनाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, मतलब कि मैं इसको जो मैं तुम पर दया नहीं कर रहा हूँ और ज़्यादा, लेकिन मैं इसको याद करूँगा एक बहुत ही दूर वाला रिश्ता, फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर, फॉर्च्यून मतलब भाग्य, भाग्य ने हमें फेलो ट्रेवलर साथी यात्री बनाया है या सहयात्री बनाया है, ऑन दिस समर नाइट इस गर्मी के रात को भगवान मतलब भाग्य ने हमें सहयात्री बनाया है, आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, आई हैव इंटरेस्टेड यू मतलब मैंने तुम पे इंटरेस्ट किया, तुम पे ध्यान दिया, एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी और तुमने मेरा मनोरंजन किया, ये लास्ट में राइटर बोल रहे हैं कि जब वो उससे खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, उससे कुछ कुछ कर रहा होगा, उसको वो मस्ती कर रहे होंगे या आनंद ले रहे होंगे उसको लेकर, द ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, ये जो कर्तव्य है, ये जो काम है वो अब म्यूचुअल हो गया, आपसी हो गया, अब हम एक दूसरे को थोड़ा जान चुके हैं, एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल, और ये किस बात पे मतलब ये निर्भर है, ये निर्भर है फंडामेंटल फैक्ट मतलब जो बेसिक है, जो सब लोगों के लिए समान है, सब लोगों के लिए सत्य है, हम उस बात पे अगर देखें तो हम सब आपसी क्या हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, आपसी काम कर रहे हैं, और इसलिए हम सब फेलो मॉर्टल हैं, फेलो मॉर्टल मतलब कि सह एक तरीके से ऐसे ऐसे प्राणी जो आखिरी मर जाएंगे, हम सब वही हैं, फेलो मॉर्टल मतलब यही होता है कि हम सब आखिरी में मरेंगे ही मरेंगे, तो हम एक तरीके से फंडामेंटल फैक्ट जो हमारा है, जो बेसिक हमारा जो जो सत्य है कि हम सब मरेंगे, इस बेस पे हम क्या हैं, हम फेलो हैं, हम साथी हैं, ये राइटर कह रहे हैं, और इसलिए हम म्यूचुअल है, म्यूचुअल मतलब आपसी हैं, आपसी मतलब आपस को जानते हैं, क्योंकि हमारा जो बेस है, जो फैक्ट है आखिरी में वही यही होगा कि हम सब मरेंगे, दिस मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर इज इन कॉमन एंड इज मिस्ट्री टू, द मिरेकल ऑफ लाइफ
जो लाइफ, जो मतलब एक तरीके से जो लाइफ में जो मिरेकल होता है, जो भी जादू होता है या जो भी कुछ होता है, चमत्कार होता है, इज आवर इन कॉमन. वो हमारे में कॉमन है. तुम्हारे में कुछ ज़्यादा होता होगा, मेरे में कुछ ज़्यादा होता होगा, या मेरे में कम होता होगा, तुम्हारे में ज़्यादा होता होगा, ऐसा होता होगा, लेकिन सब में लगभग कॉमन होता होगा. एंड इट्स मिस्ट्री टू. और जो लाइफ की जो रहस्य है, वो भी मेरे लिए भी होता होगा, तुम्हारे लिए भी होता होगा. हाँ, कुछ अलग होता होगा, लेकिन होता दोनों दोनों के लिए होगा. ये राइटर कह रहे हैं, आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी. मैं ऐसा सपोज करता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम अपने जर्नी के बारे में नहीं जानते होगे कि मतलब तुम कब मरोगे, तुम कहाँ जाओगे, ये तुम नहीं जानते होगे. आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइंड. और एक तरीके से मैं भी नहीं जानता अपने बारे में बहुत कुछ कि भैया मेरा ये फ्यूचर होगा, मैं ऐसे मरूंगा, मैं ऐसे मरूंगा, या मैं यहाँ जाकर मरूंगा, या मैं बड़े मतलब और उम्र मेरी बड़े बड़ी होगी तो मैं यहाँ रहूँगा. मैं भी अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता. राइटर इस बेस पे ये बात कह रहे हैं, वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑन ऑफ इट अ गुड डील अलाइक जस्ट अपेरिएशन दैट आर एंड देन आर नॉट. देखिए, वी आर रियली, वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब इस बात को तुम सोचोगे या तुम जानोगे, अ गुड डील अलाइक, एक अच्छा अच्छी एक तरीके से डील हो गई, अच्छी बात हो गई हमारी. हमारी मतलब जो हमने मिला, हमने बात किया, जो हमने जो भी कुछ किया, जो भी काम किया, वो अच्छा हो गया. ये राइटर कर रहे हैं, जस्ट अपेरेशन दैट आर एंड देन आर नॉट. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब राइटर ये कह रहे हैं कि जस्ट अपेरेशन दैट आर एंड देन आर नॉट, मतलब तुम एक आत्मा की तरह हो, एक प्रेत की तरह हो जाओगे, जैसा मैं भी होऊंगा. तुम एक आत्मा की तरह हो जाओगे, जो आज नहीं तो कल हो जाओगे. आज नहीं तो कल, पता नहीं है, लेकिन हो जाओगे. कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरेज, और मतलब जब तू जिंदा रहोगे तब. कमिंग आउट, कहीं से आना, कहीं से आना को बोलते हैं कमिंग आउट. कमिंग आउट ऑफ द नाइट, जब तुम अंधेरे से, मतलब नाइट मतलब यहाँ अंधेरा, जब तुम अंधेरे से रात को, जब तुम इनटू द लाइटेड कैरेज, जब तुम कैरेज में आओगे, जब तुम ये जो बल्ब से लगा हुआ कैरेज है, वहाँ जब इसमें तुम आओगे, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, और जब तुम फड़फड़ाओगे लैम्प के पास, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए. वाइल मतलब होता है कुछ समय के लिए. जब तुम कुछ समय के लिए यहाँ पे फड़फड़ाओगे इस लैम्प के पास, एंड गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन, और फिर तुम रात मतलब कहाँ चले जाओगे, रात में, यानी कि तुम इस डिब्बे से निकल कर तुम अंधेरे में चले जाओगे शायद, तो तुम अब नहीं तो कभी ना कभी आत्मा बनोगे, और हम मैं भी आत्मा बनूंगा, तो आखिरी में हम दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे. यही राइटर कह रहे हैं. गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की के पास या खिड़की पर एक आवाज़ बोली, गोइंग ऑन टू नाइट सर, मतलब मतलब रात होने वाली है सर. ये कौन बोल रहा है? कोई बोला, कोई विंडो पे खड़ा व्यक्ति है, उसकी आवाज़ आई कि रात होने वाली है सर. इट वॉज अ फ्रेंडली पॉटर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन. इट वॉज अ फ्रेंडली पॉटर, मतलब एक ही बहुत ही अच्छा दोस्त जैसा, मेरा एक मतलब दोस्त जैसा एक जो पॉटर था, जो सामान उठाता है, वो था. उसने हिंट दिया, उसने मुझे एक तरीके से क्लू दिया. क्लू मतलब हिंट मतलब एक संदेश दिया, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन है. क्योंकि हो सकता है वो हमेशा ऐसा बोलता हो, तो इस बार आज भी उसने बोला कि रात होने वाली है सर, तो ये मेरे लिए क्लू था कि मेरा स्टेशन आ गया. आई थैंक हिम एंड से, मैंने उसे थैंक, किसे बोला थैंक? उस पॉटर को जिसने मुझे ये बोला. आई थैंक हिम, मैंने उसे थैंक बोला. आई एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, और मैं शायद जरूर से सो रहा होंगा. आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, सॉरी, मैं सो चुका होंगा. ये राइटर कह रहे हैं कि अगर वो उसको नहीं बोलता तो वो सो जाते उसी में, उसी कंपार्टमेंट में, उसी डिब्बे में वो सो जाते, अगर वो पर्टिकुलर वॉय वो पॉटर उन्होंने ये नहीं बोलता, गोइंग ऑन टू नाइट सर, ये अगर उन्होंने नहीं बोलता. वही लिखा है, डॉजिंग मतलब नहीं होता है कि हम हल्की झपकी ले लेते हैं, नींद ले लेते हैं, वही उसको बोलते हैं डॉजिंग. आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैं शायद निद्रा ले चुका होता, अगर तुम नहीं बोलते तो. एंड सीजिंग माई हैट, अपने हैट को मैं पकड़ते हुए, एंड स्टिक
आई वेंट आउट इन टू द कूल, और अब जो मेरी स्टिक थी उसको पकड़ते हुए और हैट को पकड़ते हुए, आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, मैं बाहर निकला, मतलब मैं कैरेज जो डिब्बा था उससे मैं बाहर निकला ठंडी समर नाइट में, मतलब वहाँ पे तो समर में भी ठंडी होती है, तो ठंडी समर नाइट में मैं रात को अपना स्टिक और हैट लेकर पकड़ कर बाहर निकला, सीजिंग मतलब पकड़ना। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सॉ, मतलब जैसे मैं क्लोज किया मैंने डोर कंपार्टमेंट का, मैंने देखा, आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग अराउंड द लैंप, मेरा जो फेलो ट्रेवलर था मतलब मच्छर था वो बल्ब के चारों ओर घूम रहा था। तो ये जो स्टोरी है वो आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। ये स्टोरी ये है कि एक यात्रा दिखाया गया है कि यात्रा में कैसे मच्छर एक इंसान का दोस्त बन सकता है या यात्री बन सकता है, और कैसे हमें हर प्राणियों का सम्मान करना चाहिए चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। यही बात इस चैप्टर में कहा गया है। कुछ बातें हो सकती है आपको ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन तो कर ही लिए हैं, इसके बाद हम लोग पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो वहाँ हो सकता है आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है आपको इतनी बड़ी स्टोरी है, 5-6 पैरा है, 3-4 पैरा मैंने पढ़ाया है, हो सकता है एक पैरा आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिसमें रेफरेंस होगा कंटेंट होगा तो उसमें हो सकता है आपको और चीज़ें समझ में आ जाएं। तो कनेक्ट रहिए मुझसे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, और साथ में हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ बातें आप कह सकते हो, इवन आप सलाह दे सकते हो, अच्छा लगा तो वही बता सकते हो। तो वीडियो के लास्ट में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी ये वीडियो पूरा देखा है। तो एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।